अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटर व्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस गाड़ी की रिव्यू लेकर आए हैं वो है टोयोटा मीरा 2012 मॉडल, सुब्रो पिक्सिस भी कहा जाता है, सुब्रो प्लियो प्लस कहा जाता है, टोयोटा पिक्सिस भी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, गाड़ी किस तरह की है, शुरू करते हैं रिव्यू। सो आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू लेकर आए हैं वो है डायहाट्सो मीरा 2013 मॉडल, 16 की इम्पोर्ट है और फैसलाबाद का नंबर लगा हुआ है। 12.5 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। कंडीशन आपको मैं अभी 360 व्यू देकर चेक करवा देता हूँ कि कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। फ्रंट पे आपको हेलोजन बल्ब्स और इंडिकेटर लाइट मिलती है क्योंकि ये एक इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी है। इधर आपको 13 इंचिस के स्टील कैप्स मिलती हैं, अलॉय व्हील नहीं है। और जिसका हम रिव्यू करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सुब्रो क्लियो प्लस है, डायहाट्सो इसे मीरा भी कहा जाता है और टोयोटा पिक्सिस भी कहा जाता है। सो एज वी मूव टूवर्ड देयर, तो आपको ये देखें टेल लाइट्स फॉर्म में मिलती है, मतलब ये एलईडी फॉर्म में, लेकिन अगर रात में आप देखें तो टेल लाइट्स लगती हैं। और ये जिसका हम रिव्यू करें सुब्रो प्लियो प्लस है और इसको डायहाट्सो मीरा भी कहा जाता है और टोयोटा पिक्सिस भी कहा जाता है। ये एक ही गाड़ी है, 3 नाम के साथ चल रही है पाकिस्तान में। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी मौजूद है। सो डोर पैनल्स पे आपको पावर विंडोज और ऑटो मिरर मिलता है सिर्फ ड्राइवर वाला। इसके अलावा स्पीकर्स, सो 3 आर्म सेकेंड पिनियन पावर स्टीयरिंग है, सुब्रो का लोगो बना हुआ है। और उसके अलावा आपको डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें सारा आता है कि जी कितना चल गई है, क्या कुछ है, क्या नहीं है। उसके अलावा आप इधर आ जाएं तो आपको ऑडियो यूनिट मिलता है जिसमें आप चैनल सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, रीसेट वगैरह, साउंड ट्रैक, वॉल्यूम वगैरह चेंज। यहाँ पर आप एक LED भी लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट अगर लगवाना चाहें तो। उसके अलावा आपको 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, ब्रेक है, उसके अलावा AC की सेटिंग, हीटर की सेटिंग, मैनुअली AC कंट्रोल होता है। 2 एयरबैग मौजूद हैं, किधर मौजूद है एयरबैग, एक एयरबैग इधर मौजूद है। इधर आपको कंपार्टमेंट में स्पेस मिलती है, ये डोर भी पावर है। और इधर आ जाएं आपको 2 कप होल्डर्स और आपको यहाँ हैंड ब्रेक मिलती है। जहाँ तक बात की जाए लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है जो ड्राइवर सीट पर, बड़ा इजीली सीट होकर बैठा हुआ हूँ मैं। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं जी वैनिटी मिरर, रियर व्यू मिरर, और यहाँ पर भी वैनिटी मिरर मौजूद है। सो रियर पे अगर आपको दिखाएं तो रियर पे आपको अच्छी खासी लेग स्पेस तो मिलती है, पर हेड स्पेस भी मिलती है क्योंकि इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी है। आप इसमें ये नहीं है कि बस बंदे बिठाए जाएँ, वो सीन नहीं है। ये देखें रेयर भी आपको वो सीट बेल्ट मिलती हैं, रेयर भी आपको पावर विंडोज हैं। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सुब्रो प्लियो प्लस का रिव्यू। और जहाँ तक लोगों की मिसकंसेप्शन होगी वीडियो के दौरान कि जी डायहाट्सो मीरा नहीं है, ये मीरा ही है 660 सीसी कैटेगरी में, जापान में ये आपको 3 नामों के साथ मौजूद है, टोयोटा पिक्सिस, सुब्रो प्लियो प्लस और डायहाट्सो मीरा। इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, फ्यूल एवरेज इसकी मीरा की नो डाउट बहुत अच्छी है और ये 2018 की टॉप सेल कार रह चुकी है पाकिस्तान में। इसकी जो एवरेज है वो 16-17 है सिटी में और 19-20 है हाईवे पर, डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग स्टाइल। और कंडीशन के हिसाब से अगर इसके आप पैसे देखे जाएं तो ये आपको 2013 मॉडल मिल जाएगी 12 लाख से लेकर 17 लाख तक के बजट के दरमियान। कंडीशन के ऊपर है, मतलब जो फोर अच्छे ग्रेड की 4.5 ग्रेड की, उसके पैसे ऑब्वियस बात है ज़्यादा होंगे। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टोयोटा मीरा। आई होप यू लाइक अवर वीडियो, फिर लाइक अवर वीडियो क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल मोटर रिव्यूज़। आप हमें टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है मोटर रिव्यूज़। आइंदा मजीद आपके लिए अच्छी गाड़ियों के बाइक से रिव्यूज़ भी लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।